नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल के अंदर जो खरपतवार उग करके आते हैं, उन खरपतवारों को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एक स्प्रे तो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने सरसों की बुआई की, तो सरसों की बुआई के 36 घंटे के अंदर अंदर आप एक स्प्रे कर लीजिए तो आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार फिर नहीं उगता है। तो एक तरीका तो रहता है ये। और यदि मान लीजिए आपकी फसल के अंदर जो है खरपतवार उग चुके हैं, आपकी सरसों की फसल 10 दिन 15 दिन 20 दिन के आसपास की हो चुकी है, तो अब आपकी फसल के अंदर जो खरपतवार आए हैं उन खरपतवार को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, तो 2 से 3 तरीके आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके और इन स्प्रे का उपयोग करके आपकी सरसों की फसल के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, सरसों में कोई भी नुकसान नहीं होगा और जितने भी खरपतवार होंगे वे सभी खरपतवार मात्र 4 से 5 दिन के अंदर पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो के अलावा जो और अन्य घासें, अन्य खरपतवार, अन्य पौधे हमारी फसल के अंदर उग रहे हैं, उन्हें किसान भाइयों खरपतवार कहते हैं। मान लीजिए आपने जो है अपनी सरसों की फसल के अंदर किसी भी खाद को डाला, तो उस खाद का कम से कम 25 से 30% जो हिस्सा है, 25 से 30% जो खाद है वो खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं और आपकी फसल की जो पैदावार होती है उसे किसान भाइयों काफ़ी हद तक ये कम कर देते हैं। आपके प्रोडक्शन में, आपके उत्पादन में खरपतवार बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करते हैं। अब बात करते हैं सरसों की फसल के अंदर कौन कौन से खरपतवार कितनी कितनी मात्रा में किस किस तरीके से पैदा होते हैं। तो सरसों की फसल के अंदर मुख्यतः किसान भाइयों आपको 2 तरह के खरपतवार देखने को मिलेंगे। इसमें चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं वे भी उगते हैं। चौड़ी पत्ती के कौन कौन से खरपतवार हैं? बेल है, बथुआ है, कंडाई है, पालक है, मेथी है और इसके साथ साथ जंगली जई भी हमारी सरसों की फसल के अंदर काफ़ी ज़्यादा उग करके आती है। इसके अलावा किसान भाइयों सकरी पत्ती के भी खरपतवार हमारी सरसों की फसल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। जो जई और मंडूसी घास जो होती है ये भी बहुत ज़्यादा सकरी पत्ती के रूप में हमारी सरसों की फसल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इन 2 तरह के खरपतवार हमारी फसल के अंदर उग करके आते हैं। यदि मान लीजिए सरसों की बुआई आपने आज की और आज बुआई करने के लगभग 36 घंटे के अंदर अंदर जो पेंडीमेथ्रिन 30% ईसी में एक फार्मूला आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी कंपनियों को आता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी और लगभग 180 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे सरसों की बुआई के 36 घंटे के अंदर अंदर कर देते हैं, तब आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगेगा। और यदि किसान भाइयों अब आपकी जो सरसों की फसल है बड़ी हो चुकी है, उसके अंदर जो है खरपतवार बाद में उग आए हैं, तो उगने की कंडीशन में आपको कौन कौन सी दवाइयों की कितनी कितनी मात्रा लेनी है वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं जो हमारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं। चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए कौन से हर्बिसाइड का, कौन से खरपतवार नियंत्रण का हमें उपयोग करना चाहिए? तो किसान भाई यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या किसान भाइयों के सामने आने वाली है वो ये है कि जो हमारी सरसों की फसल है ये भी चौड़ी पत्ती की होती है और जितने खरपतवार मैंने आपको बताए हैं ये भी चौड़ी पत्ती के होते हैं। तो चौड़ी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण की कोई भी दवा यदि आप अपनी सरसों की फसल के ऊपर उपयोग में लाते हैं तो खरपतवार के साथ साथ आपकी सरसों की जो फसल है वो भी किसान भाइयों ख़त्म हो जाएगी, वो भी बेकार हो जाएगी, वो भी जल जाएगी। तो किसी भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको किसी भी हर्बिसाइड दवा का उपयोग अपनी सरसों की फसल के अंदर नहीं करना है। इसे जो आप खुरपी की सहायता से निकाल सकते हैं या कुदाल की सहायता से निकाल सकते हैं, एक यही तरीका बचता है चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को ख़त्म करने का। अब बात करते हैं किसान भाइयों जो हमारी सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं इन्हें हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए मैं आपको दवाई बता रहा हूँ। इस दवाई का यदि आप उपयोग करते हैं तो 100% 4 से 5 दिन के अंदर आपकी सरसों की फसल के अंदर से खरपतवार पूर्णतः खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर किसान भाइयों आप सिंजेंटा कंपनी का टॉपिक ले सकते हैं या फिर टाटा कंपनी का सरताज ले सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल सेम टेक्निकल के बनाए गए हैं, दोनों के अंदर एक ही टेक्निकल दिया गया है और दोनों ही ये सक्रिय पत्ती के जितने भी खरपतवार हमारी सरसों की फसल के अंदर उगकर के आते हैं इन दोनों पर बड़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज की, कितनी डोज हमें लेनी होगी। तो चाहे तो आप सिंजेंटा का टॉपिक लीजिए या फिर टाटा का सरताज लीजिए, दोनों की मात्रा आपको 160 ग्राम लेनी होगी और लगभग 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके
आप इसका स्प्रे अपनी सरसों की फसल के ऊपर करते हैं तो ये पूर्णतः अच्छी तरीके से सभी तरह के सक्रिय पत्ती के खरपतवारों को खत्म कर देगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों इसका उपयोग करके आप सक्रिय पत्ती के खरपतवारों को खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फार्मूले की। दूसरा आता है किसान भाइयों क्रिस्टल कंपनी का अवतार। जो क्रिस्टल कंपनी का अवतार है इसका उपयोग भी यदि आप करेंगे तो जो भी आपकी फसल के अंदर सक्रिय पत्ती के खरपतवार होते हैं उन्हें ये बड़े आसानी के साथ खत्म कर देता है। लेकिन जब आप अवतार का उपयोग करेंगे आपको ध्यान रखना है खेत के अंदर पर्याप्त नमी हो। लेकिन नमी किसान भाई आपको सिंजेंटा वाला और जो हमने आपको टाटा का बताया उसके अंदर भी आपको नमी चाहिए, लेकिन अवतार वाले के अंदर भी आपको नमी चाहिए, क्योंकि जो क्रिस्टल का अवतार आता है जब खेत के अंदर नमी होगी तभी ये अच्छी तरीके से आपकी फसल के अंदर जो सक्रिय पत्ती के खरपतवार होते हैं उन्हें ये मार पाएगा। जब हमारी फसल लगभग 25 से लेकर 30 दिन के आसपास की होती है उस समय पर यदि आप अवतार का उपयोग करेंगे शानदार और बेहतर रिजल्ट ये आपकी सरसों की फसल के ऊपर निकाल करके देगा। तो यहाँ पर किसानों जैसे दो तरह के मैंने आपको बताए, तो यहाँ पर जो क्रिस्टल का अवतार है ये बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। रिजल्ट आपको किसान भाई टाटा के और जो हमारा सिंजेंटा उसके भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन यदि मैं बहुत नंबर एक के रिजल्ट की बात करूँ तो क्रिस्टल के अवतार का यदि आप उपयोग करेंगे तो इसका उपयोग मैं पहले कम से कम 3 बार करके देख चुका हूँ, अच्छे रिजल्ट इसने निकाल करके दिए हैं। तो क्रिस्टल के अवतार का उपयोग आपको कर लेना चाहिए। क्रिस्टल के अवतार के अंदर किसान भाई आपको क्लोडिनाफोप प्रोपरगिल 15% WP फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं क्रिस्टल के अवतार की कि कितनी डोज हमें इसकी लेनी है। तो आपको क्रिस्टल के अवतार की लगभग 150 ml जो हमारे पाउडर आता है इसे लेना है, 150 ग्राम पाउडर को लेना है और लगभग 200 लीटर पानी के अंदर आपको इसे मिक्स करके अच्छी तरीके से यदि आप इसका स्प्रे अपनी सरसों की फसल के अंदर कर देते हैं, सरसों के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी बनी हुई है तो सक्रिय पत्ती के जितने भी खरपतवार हैं उन सभी खरपतवारों को क्रिस्टल कंपनी का अवतार 100% किसान भाइयों आपको ख़त्म करके दे देगा।